अक्षवी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ सोमा तिवारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कुरियन जोसेफ ने कहा कि उन्होंने 12 जनवरी की सबसे विवादित कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य जजों के साथ मिलकर इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि उन्हें लगा कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा था। एक इंटरव्यू के दौरान कुरियन जोसेफ ने बताया कि बाहर से कोई व्यक्ति CJI को नियंत्रित कर रहा था। हमें कुछ ऐसा ही महसूस हुआ, इसलिए हम उससे मिले, उससे पूछा और उससे सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी और गौरव बनाए रखने के लिए कहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्रोही जजों ने आवंटन सहित तत्कालीन CJI मिश्रा के कामकाज पर सवाल उठाया था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर तेलंगाना में BJP की सरकार बनी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि OVC को ठीक वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे निजाम को हैदराबाद छोड़कर भागना पड़ा था। दरअसल सीएम योगी तेलंगाना के विकाराबाद में रैली करने गए थे, जहां उन्होंने कहा कि जो लोग ISIS से रिश्ते बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए कांग्रेस ही रोड़ा अटका रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए AIMIM के मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप तारीख तो जानते नहीं, इतिहास में जीरो हो आप। अगर पढ़ना नहीं आता तो पढ़ने वाले से पूछो। अगर पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़कर नहीं गए, उनको राज प्रमुख बनाया गया था। दरअसल तेलंगाना के विकाराबाद के तंदूर में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर BJP सत्ता में आती है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ओवैसी को तेलंगाना छोड़कर वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे निजाम हैदराबाद छोड़कर भागे थे। कांग्रेस मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू बयानबाजी के कारण लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसके चलते पंजाब कैबिनेट की बैठक में आज उनके इस्तीफे की मांग उठ सकती है। बताया जा रहा है कि बैठक में सिद्धू से या तो बयान वापस लेने या माफी मांगने को कहा जा सकता है, अन्यथा मंत्री पद से इस्तीफे की बात भी मनवाई जा सकती है। दरअसल सिद्धू ने हाल ही में बयान दिया कि उनके कैप्टन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, जिसके चलते राज्य सरकार के करीब 10 मंत्री सिद्धू से खफा हैं। मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि पंजाब की सभी गलियों में पोस्टर लगे हैं कि पंजाब का कैप्टन हमारा कैप्टन, यानी पंजाब वालों के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ही उनके मुखिया हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गोत्र को लेकर छिड़ी सियासी जंग के दौरान कश्मीर पंडितों के धर्म गुरु पंडित ओमकार नाथ शास्त्री का कहना है कि राहुल ने अपने गोत्र को लेकर जो दावा किया था वो सही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इटली की सोनिया गांधी से विवाह किया, लेकिन राजीव ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, इसलिए राहुल गांधी का दावा सही है कि वो कौल ब्राह्मण है और उनका गोत्र दत्तात्रेय है। बता दें कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने अपना गोत्र बताते हुए कहा था कि वो कश्मीरी कौल ब्राह्मण और दत्तात्रेय गोत्र से हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।